हेलो नमस्ते साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम अपने सांसों की जो लंबाई है कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे लंबे गहरे सांस लें छोड़ें, इसी के बारे में आज हम लोग इसमें सीखेंगे। आप लोग कई योगाचार्यों से सुनते होंगे कि सांस जो हमारा श्वास और प्रश्वास है वो लंबी और गहरी होनी चाहिए, तो इसी के संबंध में आज का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो सांसों की जो लंबाई है कैसे बढ़ाएं, इसके जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, जो शुरुआत आप करेंगे अपने, पहले तो आपका वातावरण सही होना चाहिए। जब तक आप अपने क्रियाकलाप में एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे तो आपका उद्देश्य है वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी क्रियाकलाप को शुरू करने से पहले उसकी जो बाह्य वातावरण है उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। वातावरण ऐसा हो जो आपके लिए सूटेबल हो, आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा वातावरण में आप अपना अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि सुबह का समय बहुत ही अच्छा माना गया है कि आप कोई भी काम में अगर आपको ध्यान लगाना है, अच्छे से करना है, तो उसकी शुरुआत जो है ब्रह्म मुहूर्त से होनी चाहिए। ऐसे तो आप कृत्रिम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने रूम पे अकेले रहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं इन अभ्यासों का जो प्रारंभ है, और लेकिन कोशिश करना है कि आपका जो वातावरण हो बिल्कुल शांत हो, उसमें किसी तरह का बाह्य आवाज़ ज़्यादा ना हो, कंट्रोल में हो, आपके अनुसार वातावरण होना चाहिए। तो इसकी जो शुरुआत हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने ब्रीद पे जागरूकता बनाना है, अपने श्वास और प्रश्वास पे पहले जागरूकता बनाएंगे। जब तक आप अपने अवेयर नहीं होंगे अपने सांसों के प्रति, तो आप अपनी सांस की जो लंबाई है लेने और छोड़ने की वो आप बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आंख बंद करके शांत चित्त बैठ करके अपने आते जाते सांसों को पहले देखिए 2 से 3 मिनट तक। तो इसकी शुरुआत आपको कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में या कंफर्टेबल जितने भी आरामदायक आसन हो, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं या पालथी मार के बैठ सकते हैं या लेट भी सकते हैं। अगर स्थिति आपकी शारीरिक अच्छी नहीं है तो आप लेट कर भी ब्रीद अवेयरनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए शांत वातावरण में कहीं भी बैठ करके या लेट करके आंख बंद कर लीजिए, और पूरा आपका जो एकाग्रता है आप आते जाते सांसों को देखते रहना है। एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आप उसको अभ्यास करें। ये चीज़ें आंतरिक होती है, तो हम दूसरे के अभ्यास में कौन कैसे कर रहा है उसको नहीं देख सकते, लेकिन हम जो अपना अभ्यास कर रहे हैं वो हम खुद से अपने अभ्यास को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको अपने प्रति जागरूक होना है, दूसरे क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप अपने अभ्यासों के प्रति जागरूक हों। इस अभ्यास के दौरान आपको सांसों पे कोई जोर नहीं डालना है, न लेने में न छोड़ने में, केवल आपको ऑब्जर्व करना है सांसों की गति को, कैसे आवागमन सांसों का हो रहा है, उसी पे ध्यान लगा के थोड़ी देर रुके रहें वहाँ। ये जो ब्रीद अवेयरनेस प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको आप कंटिन्यू करते जाएं, कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट तक ब्रीद अवेयरनेस ही करना है। आप अपने आते जाते सांसों को ही देखना है, उसी में एकाग्रता बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अभी सांसों की जो लंबाई है
एकाएक नहीं बढ़ जाएगी, उसके लिए कुछ प्रयास हैं। वो प्रयास क्या करेंगे आप, वो देखिए। सबसे पहला जो प्रयास है, आपको पेट से सांस लेना छोड़ना है, यानी कि पेट को बाहर फुलाते हुए और अंदर करते हुए पेट को सांस लेना और छोड़ना है। आप देखिए हमारी जो प्रोसेस क्या होगी। अपने नाभि पे एक हाथ रखना है, इसमें भी लंबाई पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको पेट फुलाते हुए सांस लेना है और पेट को अंदर करते हुए सांस छोड़ना है। प्रक्रिया आपके सांसों की जो लंबाई है उसको बढ़ाने में सहायक बनेगा। आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, सांस लेना है, पेट फुलाना है, सांस छोड़ना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, मांसपेशियों को सांस छोड़ के पूरा ही पेट खाली कर देना है। इसी प्रक्रिया को दोहराते दोहराते बार बार रिपीट करते करते आपकी जो सांसों की लंबाई है लेने छोड़ने की, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी। आप मात्र अगर इसका अभ्यास कुछ दिनों तक करके देखें या कंटिन्यू अगर 15-20 मिनट तक ऐसा अभ्यास करते हैं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं अपने प्रक्रियाओं का। जैसे कि आपने शुरुआत में काउंट कर लीजिए कि मैं शुरुआत में कितना देर तक सांस ले रहा हूँ, कितने काउंटिंग तक, उस काउंटिंग को आप ध्यान में रखिए। जब सांस लेते हैं तो काउंटिंग करिएगा, देखिएगा। इस तरह से काउंट कीजिए मन में, देख सकते हैं कि हमने अभी पाँच काउंट तक सांस लिया है, पाँच काउंट तक ही सांस छोड़ा है। अब इसी को रिपीट करना है बार बार, पाँच काउंट तक। अब काउंटिंग पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको करते जाना है। अभी शुरुआत का काउंट कर लीजिए 2-3 सांसों का, और फिर अंतिम में काउंट करिएगा। और जब आप छोड़ेंगे अपने जो अभ्यास है उसको बंद करने का अगर समय आ गया, तब उसमें काउंटिंग करिएगा अपना। इसको कंटिन्यू ही करना है आपको। हाथ रखना पेट पे वो जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआती अभ्यासियों के लिए हाथ का सहारा लेना जरूरी है कि हम पेट पे हाथ रख के सांस की जो प्रक्रिया है उसको सही कर लें। पहले लोग सांस की प्रक्रिया को सही नहीं करते हैं, इसलिए उनको कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। तो सांस लेने और छोड़ने की अगर प्रक्रिया आप सही कर लेते हैं तो उससे बहुत जो डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, माइनर डिसऑर्डर्स, आपकी जो मन की एकाग्रता है वो नहीं बन रही, तो उसमें आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए आप इस प्रक्रिया को करके अपने सांसों की जो लंबाई है और जो उसकी जो अनियमितता है उसको सही कर सकते हैं। नियमित रूप से अभ्यास करने पे ये आपके रेगुलेशन में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा कि आप सांस लेते हुए पेट को बाहर करेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए। ये प्रक्रिया आपकी जो नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस है वो उसके अंतर्गत ये आएगा। कई अभी क्या है कि कुछ लोग गलत अभ्यास करते हैं, सांस लेते हैं तो उनका पेट बाहर जाता है, नहीं बाहर अंदर जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है। तो ये गलत प्रक्रिया है, इसको सही करना है। और यही अभ्यास आपको शुरुआत में इसी पे जोर देना है कि सांस लेते हुए पेट को बाहर करें, फुलाएं, और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। ये प्रक्रिया अगर सीख गए तो आपको सांसों की लंबाई है स्वतः ही आप
बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। ये अभ्यास कंटिन्यू आप करके देखिए और इसका लाभ लीजिए, फिर आप इसके बाद ही अन्य जो प्राणायाम की प्रक्रिया है उसमें आप पारंगत हो सकते हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो आप प्राणायाम करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि प्राणायाम में सांसों की लंबाई है उसको बिल्कुल लंबा करना पड़ता है, कुंभक लगाना पड़ता है। तो ये बेसिक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे तो प्राणायाम की प्रक्रिया में भी हम आगे बढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप इन अभ्यासों को कीजिए, सीखिए, और जो भी आपको मन में आए कि ये अभ्यास हमसे नहीं हो पा रहा है, कैसे शुरुआत करें और क्या इसमें सावधानियां रखें, तो इन जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हों उसको आप कमेंट बॉक्स हमारा खुला है उसमें कमेंट पुट करें, अपनी जिज्ञासाओं को रखें, हम उसका समाधान करने की पूरा कोशिश करेंगे। हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग एक्सपर्ट से कंसल्ट करके आपके लिए समाधान देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि योग का जो ज्ञान है वो आम जनमानस में भी फैल सके और योग का लाभ वो भी ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।